हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कल के व्लॉग में आपने देखा, हमने बस का टायर चेंज किया था जो कितनी हालत ख़राब हो गई थी हमारी। और अभी भाई जा रहे हैं जोधपुर, तो भाई हो गए हैं तैयार, भाई है तैयार, बाइक से जाएंगे। अब देखो इनकी क्या हालत होगी। जब भी बाहर का मौसम दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा मौसम है, और इनको बाइक पर जाने की पड़ी है। तो गाइज, भाई चले गए हैं जोधपुर की ओर रवानगी, वो भी बाइक से। अब यहाँ पर अपन हैं अकेले, और मुझे भी यहाँ पे बाइक चाहिएगी, तो उसके लिए पहले मौसा जी से उनकी बाइक की परमिशन लेंगे क्या हम एक दिन के लिए, क्योंकि कल मैं भी जाऊँगा जोधपुर, तो आज आज के लिए अगर वो बाइक दे दें तो। तो गाइज, मैं हो गया हूँ तैयार ऑफिस जाने के लिए भाई के बिना, और मौसा जी से मैंने कर लिया बात कि उनकी बाइक हमें चाहिए है आज के लिए, तो उन्होंने हाँ भी भर दी है बाइक के लिए। तो अभी चलते हैं ऑफिस, जो भी अपना काम बचा हुआ है और पूरा काम कंप्लीट करते हैं जल्द से जल्द जितना हो सके उतना। तो गाइज, आ गए हैं माता रानी के पास उनसे रिक्वेस्ट करने कि हम सब का ध्यान रखे और काम अच्छे से चलाते रहे। तो गाइज, देख सकते हैं आप, हमारी ये थोड़ी इंजीनियरिंग की हुई है मेरी और भाई के हाथ की यहाँ पर साइड पे, और ये है 4G राउटर और बॉक्स, यहाँ पे हमने इस तरीके से फिटिंग करी है। पूरा का पूरा साइड हमारे अंडर था, पूरी न्यू फिटिंग है, नए कैमरे हैं यहाँ पे, ये भाई की इंजीनियरिंग है। मतलब हमने अपना अपना दिमाग चलाया कहाँ से कैसे कैमरा लगा सकते हैं, और बाहर के साइड में हम दो कैमरे यूज करते हैं जिससे कि दोनों कैमरे भी सेफ रहें और दोनों शटर भी, कहीं पे भी पाइपिंग किसी भी सामान को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, इस तरीके से हमने कैमरे लगाए। यहाँ पे मेरी और भाई की कारीगरी की हुई है वायरिंग के लिए, यहाँ आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं सेटअप पूरा एकदम सेफ जगह पर, जहाँ तक किसी का हाथ भी ना पहुँचे। ये एक सर्विस कॉल थी जहाँ पर 16 कैमरे लगे हैं जिसमें से 12 अभी चल रहे हैं, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम किया हुआ है। ये देख सकते हो आप, अपनी सर्विस कॉल पूरी हुई, निकलते हैं अब। तो गाइज, अब चलते हैं गांव, पूरे दिन काम कर लिया, साइड कंप्लीट कर ली, और भाई भी आराम से पहुंच गए थे जोधपुर, और भाई अब करेंगे वहाँ पे काम। मुझे आज यहाँ के जितने भी काम पूरे करने थे वो हो नहीं पाए, कुछ कस्टमर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो कल मैं उनसे मिलके कल यहाँ का काम कंप्लीट करके सीधा जाऊँगा जोधपुर भाई के पास। तो गाइस, देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग लगी हुई है यहाँ पे, और कहाँ से लेके ट्रेन कहाँ तक खड़ी है, ये हमारे यहाँ की बाईपास रोड है, ट्रेन की बाईपास रोड, ट्रेन की बाईपास रोड। तो यहाँ पे ये ट्रेन अब हमारा आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम ख़राब करेगी, क्योंकि यहाँ पे ओवर ब्रिज नहीं बना हुआ है इस वजह से, और आधा घंटा ये इसलिए ख़राब करेगी कि इधर आगे जाने के लिए उनको पीछे से परमिशन चाहिए पड़ती है इस वजह से। तो गाइज, मैं आ गया हूँ घर पे, टाइम हो रहा है 6:20, मात्र शाम के 6:20, और ऐसी जोरदार ठंड बढ़ रही है ना आज यहाँ पे, मतलब अगर मैं आज लेट नाइट आने की सोचता ना तो मुझे कोई और ही लेके आता, मैं तो नहीं आ पाता, इतनी जबरदस्त ठंड, भगवान मेरे से हाथ है ना ऐसे मुड़ नहीं रहे, बाइक के देखो अभी तक निशान बनने में जैसे मैं पकड़ गया था वैसे के वैसे ही, बहुत जोरदार ठंड है, बहुत ही जोरदार ठंड है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई आज चले गए इस वजह से ठंड बढ़ गई है, क्योंकि भाई जहाँ होते हैं ना गर्मी वहाँ बढ़ जाती है। तो गाइज, मम्मी पापा भी आज आ गए हैं वापस जोधपुर से, भाई आज गए हैं जोधपुर, मम्मी पापा वापस आए हैं जोधपुर से, तो घर में कल भर की शांति थी, आज वापस सब लोग आ गए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कल तो बहुत बुरा लग रहा था, ऊपर से ठंड इतनी जोरदार पड़ रही थी, ठंड तो आज भी बहुत ज़ोरदार पड़ रही है, ऐसी ठंड के हालत ख़राब है सबकी। अब हम सब लोग खाएंगे खाना, तो मम्मी पापा के पास बैठ के खाना वाना खाते हैं, तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।